और भारत के बीच मामले पहले के मुकाबले काफी खराब बनते जा रही है। बता दें, चीन में 19 साल के बौद्ध भिक्षु की पहली गिरफ्तारी, फिर जेल के निर्मम हत्या के आरोप की आग। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित मिनी लहासा यानी निर्वासित तिब्बतियों के निवास स्थान मैक्लोडगंज में भड़क उठी है। यहाँ अपने मुल्क से चीन की दमनकारी नीतियों के चलते बगैरत हो चुके निर्वासित तिब्बतियों ने चीन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चीन को निहत्ते और लाचार बौद्ध भिक्षुओं के साथ दरिंदगी न करने की चेतावनी भी दी। निर्वासित तिब्बत के युवा संगठन ने चीन सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करते हुए उसे सुधर जाने की धमकी भी दी है, साथ ही इसकी भारी कीमत चुकाने के भी ऐलान किए। बता दें, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित की जिंदगी जो रही, तिब्बत आज भी अपने हक हकूक और आजादी के लिए आए दिन कोई ना कोई आंदोलन करते हुए नजर आती है। लेकिन अब की बार निर्वासित तिब्बती युवा संगठन की ओर से धर्मशाला के मैक्लोडगंज में जोरदार आंदोलन किया और चीन सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। दरअसल इन युवा निर्वासित तिब्बतियों के माने तो चीन सरकार में उनके एक 19 साल के युवा बौद्ध भिक्षु को न केवल गिरफ्तार कर लिया और उसे चीन की जेल में बड़े ही निर्मम तरीके से प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। निर्वासित तिब्बत के युवा संगठन के कार्यकर्ता और लेखक तेजनीन शुंडू ने बताया कि चीन हमेशा ही अपनी दमनकारी नीतियों के लिए जाना जाता रहा है। चीन ने पहले तिब्बत, फिर ताइवान, हांगकांग समेत कई पड़ोसी राज्यों के नाम पर दम कर रखा है। मैं यहां का तिब्बती कार्यकर्ता हूं और लेखक हूं, धर्मशाला में रहता हूं। आज हम यहां इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि चाइना ने एक तिब्बती युवा, 19 साल का एक युवा, वो भी एक बौद्ध भिक्षु है, उसको पकड़ के उसको जेल में मारे और उसको मार मार के उनकी जान ले ली है। साथ ही यहां कहा कि अगर चीन की खिलाफत नहीं की गई, उनकी दमनकारी नीतियों को नहीं दबाया गया, तो वो दिन दूर नहीं जब वह अपने बलबूते हर देश को अपने कब्जे में कर लेगा।